हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर आर्या कुमार फॉर मैथमेटिक्स और मेरे इस चैनल को आर्या ब्रिज ऑनलाइन एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले लेक्चर आपको इजीली मिलते रहें। इस लेक्चर में हम लोग मेंसुरेशन का एक पार्ट पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम हम पढ़ेंगे इसके क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर के। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पिछली प्री क्लासेस में हम लोग पढ़ के आए हैं कि क्यूब क्या होता है। क्यूब की जितनी भी साइड्स है, जितनी भी इसकी कोर है, जितनी भी इसकी एड्स हैं, इसको साइड भी कहते हैं। हियर इट इज साइड। अगर इसकी साइड हम ए ले लें तो ये भी हमारी ए होगी। सारी साइड्स इसकी हमारी क्या होती है, ए होती है। इसको साइड भी कहते हैं, एड्स भी कहते हैं और कोर भी कहते हैं। तो इसमें क्यूब आर मेड फ्रॉम, ये हम कह सकते हैं क्यूब आर मेड फ्रॉम स्क्वायर। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्यूब्स की जो हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे, इसके जो सरफेस एरिया पढ़ेंगे, वो कैसे फाइंड होते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है, क्यूब जो क्यूब होते हैं, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 × साइड स्क्वायर 4 स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया, इट इज हियर टोटल सरफेस एरिया। और ये हमारा क्या है, इट इज ओनली सीएसए कर्व सरफेस एरिया क्यूब का। और ये हमारा टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6 × a² स्क्वायर। यहाँ पे जो क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम यहाँ पे इसका क्या होगा, वॉल्यूम इसका होगा जो साइड होगी उसका हम लोग क्यूब कर देंगे। हमें ये पता है कि जो एरिया फाइंड करते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है और वॉल्यूम की जो यूनिट आएगी वो क्यूब में। अगर हम सेंटीमीटर उसकी साइड होगी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी उसकी यूनिट, और वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। मीन्स इसकी यूनिट जो होगी वो क्यूबिक में होगी। यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूब हमें पता है, क्यूबॉइड आर मेड फ्रॉम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, लेकिन क्यूबॉइड है, एक बॉक्स है, तो उसमें हाइट का होना भी बहुत जरूरी है, तभी हमारा क्यूबॉइड बनेगा। तो क्यूबॉइड में लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो क्यूबॉइड की हम लोग अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 lb bh और hl होगा। मीन्स अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हमारी बी है, ब्रेथ है, और ये इसकी हमारी हाइट है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल 2 lb + bh + hl। अगर इसकी हम कर्व सरफेस एरिया, या हम कहें एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल, चारों दीवारों का जो क्षेत्र एरिया होगा वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे 2 l × b, इसका हो जाएगा 2 l + b और इंटू हाइट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स। इसका हम वॉल्यूम से बात करें, मतलब क्यूबॉइड का वो जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा lbh। हाँ, एरिया है तो उसकी यूनिट होगी स्क्वायर में, मीन्स यूनिट स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होगा उसको क्यूबिक में एरिया होगी। मीन्स अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, एरिया अगर सेंटीमीटर, इसकी जो साइड्स हैं वो सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वो एरिया में। सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर हमारा किससे मिलकर बना हुआ होता है, सिलेंडर में दो सर्किल, एक बेस में एक अपर, दो सर्किल्स होते हैं और एक इसकी हाइट होती है। मीन्स अगर इसकी जो सर्किल है, इसकी अगर रेडियस आर है और इसकी लेंथ अगर एल है, तो इसमें दो सर्किल होते हैं, एक बेस और एक अपर में। तो सिलेंडर में अगर हम इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कौन सी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है कि इसका जो अगर हम ये हालो ले लें, अगर हम एक पेज को मोड़ के बनाते हैं, हालो ले लें, तो इसका जो सीएसए होगा वो इसमें, ये एरिया, ये जो एरिया आती है वो इसमें नहीं होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स होता है कि सर्कमफ्रेंस, मीन्स क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट। मीन्स सर्कमफ्रेंस इसका क्या है,
टू पाई आर, यहाँ पे अगर रेडियस इसकी आर है और ये हाइट अगर इसकी एच ले लें, हाइट अगर हम एच ले लें तो ये हो जाएगा टू पाई आर इंटू एच। तो हमारा जो सी एस से आ गया वो क्या आ गया, टू पाई आर एच कवर सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा टू पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया में ये ध्यान देने वाली है इसमें कि टोटल सरफेस एरिया में जो बेस और जो अपर जो सर्किल होते हैं उनका एरिया भी इसमें ऐड हो जाता है। मींस इसमें हो जाएगा, इसमें ठीक है ये आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया, एरिया जो बेस एरिया है, बेस हमारा क्या सर्किल शेप में है, इससे सर्किल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ बेस मीन्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला हम कह सकते हैं इसका। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, इसको बहुत ही कंसंट्रेट तरीके से आप इसको लर्न कर लीजिए और इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट में हम लोग जो है इसके जो आई मीन टू से स्फीयर कोन और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी क्या फॉर्मूले कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।